हाय गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये साड़ी वाला लुक जो है ना, मेरा लहंगा स्टाइल देख के इम्प्रेस हो गया ना, इतना प्यारा लगा जब मैंने इसे पहना तो वाओ, सब लोगों ने बोला कितना प्यारा है, कैसे पहना है। तो डेफिनेटली आप भी इसे ट्राई करना, तो सब आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे पहना है। तो आओ बताती हूँ इसे कैसे पहनना है। तो ये हमने पेटीकोट एकदम टाइटली बांध रखी है अच्छे से, ताकि बिल्कुल कोई चांस ना हो, और नाभि के ऊपर बांधें, और वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ये नाभि के नीचे आ जाएगी जब आप साड़ी पहन लोगे। तो चलो अब दिखाती हूँ। ये मेरी साड़ी है, बनारसी साड़ी ले रखी है मैंने, बहुत ही प्यारा है ये। और ये मम्मी की साड़ी है मेरी, उनमें से सबसे फेवरेट है ये मेरी। कलर कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, जो पल्लों पे आता है कम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है। तो ये देखिए, और ये हमारी मम्मा की साड़ी। अब देखते हैं कैसे पहनना है इसको। तो हमें ऐसे ऐसे डैप कर लेना है अंदर से, और फिर एक एक प्लेट्स को टक करते जाना है, और हमें छोटे छोटे प्लेट्स ही बनाने हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेट्स नहीं बनाने हैं। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें, क्योंकि हमें आगे जो अपना पल्लू बनाना है ना, उसको बनाना है हमें थोड़ा लंबा और बड़ा, तो इसलिए हम इसे थोड़े छोटे छोटे प्लेट्स बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने प्लेट्स को बना लिए हैं, और देखिए कितना प्यारा लुकिंग लग रहा है। मतलब यार देखो, लहंगा वाला लुक आ रहा है पूरा। अगर आप चाहते कि ये पूरे जो फेल्स हैं उठे उठे रहें, तो आप अंदर पेटीकोट की जगह आर्गंडी वाले स्कर्ट पहन सकते हो, क्योंकि उससे उठा उठा वाला लुक आएगा, फुला फुला, लाइक फहरा हुआ बोलते हैं। तो आप ये वाला भी ट्राई करना, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही। तो चलो आप देखते रहो कि मैंने कैसे पहना है। तो ये देखो, हमने पीछे भी टक कर लिया है। अगर आप पीछे ये टक करने के लिए किसी की हेल्प लें तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कोई नहीं है हेल्प करने के लिए, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो हमने पीछे के भी सारे टक कर लिए हैं, और करते जा रही हूँ मैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और जब आप पहनोगे ना, तो सब बोलेंगे वाह यार कैसे पहना है, मुझे भी बताओ, सब आपसे बोलेंगे। क्योंकि साड़ी में ऐसा लुक क्रिएट करना बहुत ही अलग और डिफरेंट बात है, जो कि अफकोर्स पूछने वाली बात है। तो ये वाला लुक आप देख रहे हो, कितना प्यारा लग रहा है। तो अब देखो, हमें बनाने हैं अपने अच्छे वाले प्लेट्स। तो हमें प्लेट्स को ना बहुत चौड़ा ना बहुत पतला, मीडियम साइज़ में बनाना है, अपने शोल्डर के बराबर का। तो ये देखिए, हमारे प्लेट्स बन रहे हैं। आप गाइस एक बार इसे ट्राई ज़रूर करना घर पर ही सही, क्योंकि जब आप पहनोगे ना, तो आपके मुंह से खुद निकलेगा वाओ यार ये कैसे पहन लिया। आप किसी भी साड़ी से पहन सकते हो, बट अगर सिल्क की साड़ी से पहनो तो वो अलग लुक आएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि सिल्क की साड़ियों में आजकल लहंगा बन रहे हैं। तो ये हमारे प्लेट्स जो हैं, अब इसे हम अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, अच्छे से बना लेते हैं प्लेट्स को अब, क्योंकि प्लेट्स बनाना है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने अच्छे से प्लेट नहीं बनाना, तो पूरा लुक ख़राब हो जाएगा। तो प्लेट बनाने में बहुत ध्यान से बनाएं। पहले तो मैंने एक ऊपर पिन लगा दिया है, ताकि जो हमारा प्लेट्स है ना, इधर उधर ना हो। मैं इधर उधर जाने भी नहीं दूंगी अपने प्लेट्स को, क्योंकि हमें दिखना है साड़ी में बहुत ही गॉर्जियस, और साड़ी बनाना है परफेक्ट। चलो देखते जाओ। ये देखिए, हमने अब प्लेट्स को बना ही लिया है, बस थोड़ा सा बचा है, और ना ज़्यादा इसकी लेंथ करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम करनी है आपको। तो ये देखिए, हमने प्लेट्स को फटाफट बना लेते हैं। ऐसे सिल्क की साड़ियों में अगर आप करेंगे, ये बनारसी है सिल्क की, मतलब सिल्क में ही आती है। तो अगर आप इस साड़ियों में ऐसे, जब से मैं कर रही हूँ प्लेट्स बनाने के लिए, तो देखिए ऐसे आप करेंगे तो बहुत अच्छे से प्लेट्स तैयार हो जाता है, और वो खुलने का नाम नहीं लेता। तो इसलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम प्लेट्स को अच्छे से अरेंज करके बना लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो प्लेट्स है वो बनी गया ऑलमोस्ट। तो ये देखिए, अब हमें थोड़े से और लंबे प्लेट्स बनाने हैं। तो बस बन गए। आप ये साड़ी खुद से पहन सकते हो, देख रहे हो ना कितना आसान है। एक बार यार खुद से ज़रूर ट्राई करना, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा यार कमेंट में बताओगे मुझे। और प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर दिया करो, मुझे पता चलता है अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको अच्छा लगा है या नहीं, तो आप ज़रूर लाइक करना। तो ये देखिए, हमारे जो प्लेट्स हैं, अब
थोड़े से जो है ना दिख रहे थे वो प्लेट्स के अंदर से निकल रहा था, तो उसको मैं अरेंज कर लेती हूँ अच्छे से। अगर आपसे भी ये गलती हो रही है ना तो फटाफट जाओ और जल्दी अरेंज कर लो। तो ये देखिए हमने इसे अरेंज ही कर लिया है। और यहाँ पे मैं अब देखो मैं देख रही हूँ कि लेंथ अच्छी खासी हो गई है, बस बहुत है इतनी। तो अब हम ना पिन से सिक्योर कर लेते हैं। ये देखो हमारा पिन है, अब इससे हम अच्छे से सिक्योर कर लेते हैं। पिन को हमेशा पीछे की तरफ लगाएं, आगे की तरफ नहीं, नहीं तो आगे लटक ख़राब लगता है बहुत। तो हाँ इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें और ऐसे प्लेट्स को बनाएं। तो ये देखिए अब हमने इसे अरेंज भी कर लिया, प्लेट्स भी बना लिए और हमारे फिल्स भी तैयार हो गए। अब क्या बचा है, लास्ट स्टेप है हमारा, बिल्कुल ध्यान से देखना इसे। और ये देखिए हमने ये प्लेट्स को थोड़ा सा नीचे की जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल आपको भी वैसे ही करना है, बिल्कुल स्किप मत करना वीडियो को, नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला। तो ये देखिए इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा प्लेट्स पे कितने आसान तरीके, सिल्क की साड़ियों में यही तो अच्छी बात है, अगर आप एक बार अरेंज करने लगो तो बहुत आसानी से ये हमारे फिल्स अरेंज हो जाते हैं। और ये देखिए मेरा फिल भी अरेंज हो गया है ऑलमोस्ट, अब हमारी साड़ी बन ही गई है। तो आप ऐसे किसी की हेल्प भी ले सकते हो, बट अगर आप अकेले हो तब भी ये साड़ी बहुत आसान तरीके से पहन, कितना प्यारा लग रहा है। अभी तक जितनी साड़ियाँ मैंने बताई है ना पहनने को, इसमें से मेरा फेवरेट है। हाँ ये पिन निकालना ज़रूर, भूल मत जाना इसे। तो ये पिन हमने निकाल लिया है और ये देखो हमारी साड़ी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, ना इतनी प्यारी। और कोई भी देखेगा तो फ्लैट हो जाएगा आपको अगर ऐसे आप साड़ी पहन के जाओगे तो। और हाँ कमर बंद है ना आपके पास तो भी जाओ फटाफट इसे लगा लो, क्योंकि उससे और भी आपका लुक बहुत प्यारा हो जाएगा। आप इसमें और कुछ कर सकते हो अगर आप कमरबंद लगाओ। सो आई होप यू गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। लव यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।